ओके सो अस्सलाम वालेकुम। और इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द पैरा वर्टिब्रल मसल्स। एक होते हैं प्री वर्टिब्रल मसल्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपरिस वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं अबाउट द पैरा वर्टिब्रल मसल्स प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो दीज आर द स्कलेनी मसल्स, विच आर द स्कलेनस इंटीरियर, स्कलेनस मीडियस, स्कलेनस पोस्टीरियर मसल। तो ये तीन होते हैं जो कि पैरा वर्टिब्रल मसल्स में इंक्लूडेड है। अब हम हर एक की अटैचमेंट देखते हैं, तो इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो कैसे होती है, दरमियान में होता है स्कलेनस मीडियस और उसके आगे स्कलेनस इंटीरियर और उसके पीछे होता है स्कलेनस पोस्टीरियर मसल। अच्छा जी, सो वंस अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट, ओरिएंटेशन के ये अटैच हुए कैसे होते हैं। तो इन सब के अटैचमेंट कुछ ऐसे होते हैं कि ये वर्टिब्रा से शुरू होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस से, और ये अटैचमेंट लेते हैं ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड रिब। सो ये ऐसे वर्टिब्रा से रिब्स की तरफ से जा रहे होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो ओके, सो दिस इज स्कलेनस मीडियस, स्कलेनस इंटीरियर एंड स्कलेनस पोस्टीरियर मसल। इनकी अलग अलग सी बेलीज होती हैं, सेपरेट सेपरेट सी, तो थोड़े से फ्रेजाइल से मसल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द स्कलेनस इंटीरियर मसल, और उसकी ओरिजिनल इंसर्शन कुछ ऐसे होती है, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर ट्यूबर्कल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 टू C6। तो जितने भी हमारे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, दैट इज C3 टू C6, उन सबके ही एंटीरियर ट्यूबर्कल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिन लेता है हमारे स्कलेनस एंटीरियर मसल। अच्छा, ये लेबलिंग पर मत जाना, इसकी मैं आपको सेवल जो बुक में लिखी है ना वो बता रही हूँ, दैट C3 टू C6 के एंटीरियर ट्यूबर्कल से ये ओरिजिन ले रहा होता है, एंड विल बी इंसर्टेड ऑन टू स्कलेनी ट्यूबर्कल ऑन द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द फर्स्ट रिब। सो फर्स्ट रिब के सुपीरियर एस्पेक्ट पे, जहाँ पे स्कलेनी ट्यूबर्कल होता है फॉर द स्कलेनस इंटीरियर मसल, वहाँ पे इसने इंसर्शन लेनी होती है। एंड दिस मसल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द नेक रीजन, वाई, बिकॉज इट विल बी डिवाइडिंग द सबक्लेवियन आर्टरी इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, जस्ट लाइक द पेक्माइनर डिवाइडेड द एक्सिलरी आर्टरी इनटू थ्री पार्ट्स, इन द सेम वे द स्कलेनस इंटीरियर मसल डिवाइड्स सबक्लेवियन आर्टरी इनटू थ्री पार्ट्स, जो कि हम देखेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीिंग द सबक्लेवियन आर्टरी सेपरेटली। और नर्व्स प्लस की होती है, दैट विल बी स्पाइड बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ C4 टू C6। C3 टू C6 इसकी अटैचमेंट है, एंड C4 टू C6 के वेंट्रल रेमाइज को सप्लाई दे रहे हैं। और एक्शन एज यू कैन वेल रिज्यूम, इट विल बी रिजल्टिंग इन द एंट्रोलेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक और द सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, एंड इट विल बी एलिवेटिंग द फर्स्ट रिब ड्यूरिंग इन डीप इंस्पिरेशन। तो उसमें भी काम करता है हमारे, और स्टेबलाइज भी करता है नेक को अलॉन्ग विद अदर मसल्स, एंड कैन ऑल्सो रोटेट द सर्वाइकल स्पाइन टू ऑपोजिट साइड। सो एंट्रोलेटरल फ्लेक्शन ऑफ द नेक, स्टेबलाइजिंग द नेक विद अदर मसल्स, एंड द एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट रिब ड्यूरिंग इनहलेशन। अच्छा, तो ये हो गया हमारा एंटीरियर स्कलेनी मसल। सेकंड इज द पोस्ट मिडल और द स्कलेनस मीडियस मसल, विच इज द सेकंड वन। अच्छा, ये एंटीरियर ट्यूबर्कल से नहीं आ रहा, ये आ रहा फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्यूबर्कल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ C3 टू C7 वर्टिब्रा। वो कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम द एंटीरियर ट्यूबर्कल ऑफ C3 टू C6 वर्टिब्रा। ये आ रहा फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्यूबर्कल ऑफ C3 टू C7 वर्टिब्रा, एंड ऑल्सो फ्रॉम द एटलस वर्टिब्रा, दैट इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो ये ऑलमोस्ट सारे ही सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से आता है, लेकिन उसके पोस्टीरियर ट्यूबर्कल से आता है, राइट। सो C3 टू C7 अलॉन्ग विद C1 इट विल बी गेटिंग इट्स ओरिजिन, और ये इंसर्ट होता है, अच्छा, जहाँ पर होता है ना हमारे पास स्कलेनस ट्यूबर्कल फॉर द एंटीरियर स्कलेनी मसल, उसके ना इधर साइड पे दो ग्रूव होते हैं, वन फॉर द सबक्लेवियन वेन एंड वन फॉर सबक्लेवियन आर्टरी। सो जस्ट बिहाइंड द ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट विल बी हैविंग द इंसर्शन पॉइंट फॉर द स्कलेनस मीडियस मसल। सो इट विल बी इंसर्टिंग जस्ट बिहाइंड द ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी ऑन द फर्स्ट रिब, एंड द नर्व्स लेवल विल बी बाय द वे ऑफ C3 टू C8। एज यू नो दैट इसके जो होते हैं लेवल ऑफ ओरिजिन वो तकरीबन C3 टू C7 वर्टिब्रा तक ये बड़ा ही वाइड ओरिजिन लेकर आता है, उसकी नर्व्स लेवल वैसे ही होती है, इट इज बाय द वेंट्रल हेमाइज C3 टू C8 स्पाइनल नर्व्स, राइट। अच्छा जी, उसका एक्शन होता है ये एंट्रोलेटरल नहीं बल्कि लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन करवाता है। इसके अलावा ये हमारे दूसरे मसल्स के साथ नेक को स्टेबलाइज भी करता है, एंड इट विल बी एलिवेटिंग द फर्स्ट रिब ड्यूरिंग इनहेलेशन, राइट। तो ये हो गया इसका फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द स्कलेनस पोस्टीरियर मसल। अच्छा, ये भी अगेन आता है फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्यूबर्कल्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द 4, 5, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो दरमियान वाली वर्टिब्रा है, 4, 5, 6 उन तीनों के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से आ रहा है पोस्टीरियर ट्यूबर्कल से, एंड इट विल बी गेटिंग इंसर्शन ऑन टू द सेकंड रिब, ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ सेकंड रिब इट विल बी गेटिंग its insertion. So this one is having a different insertion, that is on the second rib, while the other ones were having their insertion onto the first rib. So coming from the posterior tubercle of the C4, C5, C6 inserted onto the outer aspect of the second rib, or supply hoti by the way of ventral MI of C6 to C8. I know it's quite complicated ki sabke hi ventral MI different hi unko de rahe hain supply, lekin ab aise yaad kar sakte ho ki jo first wala tha wo sara typical vertebra se origin le raha tha, to uski jo nerve supply thi wo thi by the way of C4 to C6, okay, kyunki वो C3 टू C6 में ओरिजिन था, और C4 टू C6 उसकी नर्व्स लाई थी। सेकंड वन वाज गेटिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम ऑल ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑलमोस्ट, तो उसका जो जो थी नर्व्स लाई थोड़ी वास्ट थी, दैट वाज बाय द वे वेंट्रल रिमाई ऑफ C3 टू C8, राइट। और जो थर्ड वाला है इसकी थोड़ी कम हो गई है, फर्स्ट वाले की थी C4 टू C6, और इसके वाले की होती है C6 टू C8। सो बाय द वेंट्रल रिमाई ऑफ C6 टू C8 सर्वाइकल सॉरी स्पाइनल नर्व्स इट विल बी गिविंग इट्स गेटिंग इट्स नर्व सप्लाई। सो फर्स्ट वाले की होती है C4 टू C6, सेकंड वाले की होती है C3 टू C8, और थर्ड वाले की दैट इज द स्कलेनस पोस्टीरियर मसल, उसकी होती है बाय द वे ऑफ C6 टू C8
स्पाइनल नर्व्स, और उसका एक्शन भी वही होता है जो हमारा मीडियस का होता है, दैट इज विल बी लेटरल फ्लेक्स लेटरली फ्लेक्सिंग द सर्वाइकल स्पाइन एंड विल बी एलिवेटिंग द सेकंड रिब नॉट द फर्स्ट वन एंड विल बी स्टेबलाइजिंग द नेक अलॉन्ग विद अदर मसल्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैरा वर्टिब्रल मसल्स, द मसल ऑन ईच ऑफ द वर्टिब्री, द थ्री स्कलेनी मसल्स. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.